दिस अभिनव कृष्ण ए के ए डॉग डैडी ओवर टीयूसी। सो आज हम लोग बात करेंगे डालमेशियन के ऊपर। आप सबने बचपन मूवी देखी होगी 101 डालमेशियन, उसमें क्रुएला भी देखी होगी आपने। आपने देखा किस तरह वो छोटे छोटे पपीज अपने आप को बचाते हैं एक ईविल फैशन डिजाइनर से। सो बेसिकली आज हम बात करेंगे उस डॉग की जो 1375 में बिशप ऑफ डाकाबो ने इन्वेंट किया था, जो कि एक ग्रेटन और पॉइंटर्स को क्रॉस करवा के डालमेशियन को लेके आए थे। डालमेशियन एक ऐसी ब्रीड है जो हंटिंग के लिए यूज की जाती थी, हंटिंग एज इन लाइक बोर हंटिंग, फिर रिट्रीविंग के लिए भी, काफी चीजों के लिए, लाइक सामान उधर फेंकना है, बर्ड उधर गिर रहा है तो वो लेके आना, सिक्योरिटी पर्पज के लिए, काफी चीजों के लिए डालमेशियन यूज किया जाता है। डालमेशियन की स्पीड काफी होती है एज इट्स अ हाउंड, और हाउंड उसके अंदर आया है ग्रेटन से, और जो रिट्रीविंग का पार्ट है वो आया है आपका पॉइंटर से एंड पॉइंटिंग का। सो डालमेशियन को फिर लेटर फेज में लोग यूज करते रहे कोचेस के साथ भागने के लिए, जैसे राजा महाराजा के कोचेस होते थे जो घोड़ों से लदे होते थे, घोड़े लेके जाते थे कोचेस को, मतलब घोड़ा गाड़ी जिसमें राजा महाराजा होते थे, तो उनके साथ साथ भागते थे प्रोटेक्शन के तौर पर। फिर धीरे धीरे मॉडर्नाइजेशन होती रही तो पता चला कि डालमेशियन फायर हाउस डॉग बना। फायर हाउस डॉग के अंदर क्या होता है कि पहले जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां होती थी उनमें सायरन्स नहीं होते थे और उनमें बेल्स होते थे, लेकिन वो बेल्स का भी इन्वेंशन डालमेशियन के बाद हुआ है। सो यूरोप में जब जाती थी गाड़ियां, घोड़ा गाड़ी या फिर लेट्स से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, तो उनके साथ साथ डालमेशियन आगे भागता था, क्योंकि वो भौंक भौंक के लोगों को बोलते थे कि साइड जो गाड़ी आ रही है पीछे से। सो इसकी स्पीड आप इमेजिन कर सकते हैं किस तरह की। डालमेशियन जो ब्रीड है वो बेसिकली डालमेशिया से है, जो कि क्रोएशिया से है, जो अब क्रोएशिया के नाम पे फेमस है। सो डालमेशियन इज बेसिकली अ हाउंड दैट इज बीन कमिंग फ्रॉम डालमेशिया। ये यूरोपियन ओरिजिन का डॉग है। आजकल ये इतने फेमस इसलिए नहीं क्योंकि इनका स्पोर्ट्स नहीं रहा, भागा दौड़ी इतनी होती नहीं है, तो लोग सिर्फ कंट्री साइड जो रहते हैं वो डालमेशियन लेते हैं। बाय द वे ये बहुत अच्छे फैमिली डॉग्स होते हैं, लेकिन इनकी अर्ली ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है क्योंकि कहीं ना कहीं इनके अंदर अटैकिंग मोड रहता है, तो उस चीज को रिकवर ना करने के लिए आपको अर्ली ट्रेनिंग अपने डालमेशियन पप को देने की जरूरत है। डालमेशियन के 5 कलर्स आते हैं जिसके अंदर लिवर, ब्लैक, कभी कभी येलो, लेमन कलर्स आते हैं विद मिक्स ऑफ व्हाइट। सो उनमें ये लिवर, रेड, ब्लैक, ऑरेंज, लेमन, इन सब के स्पॉट्स होते हैं। डालमेशियन के हेल्थ वाइज इश्यूज कुछ नहीं होते, ज्यादातर इशू यही होता है कि अगर ओवर ब्रीडिंग की वजह से कहीं पपी जो उसका मेलेमिन जीन है, वाइट जीन है बेसिकली, वाइट जीन की वजह से उसके अंदर डेफनेस आती है, कैटरैक्स आ जाते हैं, लेकिन डेफनेस जो होती है वो चाइल्डहुड से ही होती है, वो ज्यादातर आप डोगोज में भी देख सकते हो, जितने वाइट जीन कैरी करने वाले डॉग्स हैं उनके अंदर होता है। सो आप पपी को देख के लें, इनकी डाइट ये ज्यादा लेते नहीं है, अच्छी डाइट लेते हैं, गिव देम हाई प्रोटीन डाइट एज दे एथलीट्स। डालमेशियन का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है लेने का कि लो मेंटेनेंस डॉग है, इसकी ग्रूमिंग ज्यादा जरूरत नहीं है, शॉर्ट कोटेड डॉग है, बट ऑल टर्निंग डॉग है, सो यू गोना एंजॉय इट। आपको अगर मन नहीं कर रहा कि जर्मन शेपर्ड ना ले, पिटबुल ना ले, रॉटवाइलर ना ले, आप एक अलग डॉग लेना चाहते हैं जो कि सिक्योरिटी पर्पस के लिए होना चाहिए और थोड़ा सा कम बजट में होना चाहिए, जैसे कि लेट्स से केन कोर्स से थोड़ा सस्ता होना चाहिए, सो यू कैन गो फॉर डिफरेंट टेस्ट एंड गो फॉर डालमेशियन। सो डालमेशियन इज वन ब्रीड दैट यू शुड गो फॉर जस्ट बिकॉज यू नो इफ यू आर एथलीट, आप भाग दौड़ पसंद करते हैं, जॉगिंग पसंद करते हैं, फिटनेस लाइफस्टाइल चाहते हैं, सो दिस इज द ब्रीड यू शुड गो फॉर। इवन मेरा ही प्लान है कि मैं जल्दी डालमेशियन लेके आऊं। सो दिस इज डॉग डैडी अभिनव कृष्ण साइनिंग आउट फ्रॉम टीयूसी एंड हियर वी आर। बाय बाय।